कुलभूषण यादव की पत्नी और माँ के साथ जिस तरह का सुलूक पाकिस्तान ने किया, क्या वो सही है? इस तरह की हरकत कर पाकिस्तान ने सिर्फ कुलभूषण की पत्नी और माँ का अपमान नहीं किया, बल्कि हर एक हिंदुस्तानी माँ और बहनों का अपमान किया है। फिर चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो या ईसाई, पाकिस्तान की नज़र में कुलभूषण गुनहगार हो सकता है, लेकिन उनकी माँ और पत्नी नहीं। फिर कुलभूषण की माँ और पत्नी के साथ ऐसा घटिया व्यवहार क्यों? पाकिस्तान एक तरफ दिखावे के लिए कुलभूषण की माँ और पत्नी को मिलने की इजाज़त देता है और दूसरी तरफ अपने देश बुलाकर हिंदुस्तान की माँ और बहनों का अपमान करता है। पाकिस्तान की ये बिल्कुल ही घटिया हरकत है। ताज्जुब की बात तो ये है कि हिंदुस्तान में अपने आप को सेक्युलर कहने वाले लोग ऐसे मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते हैं? जो हिंदुस्तान की किसी भी घटना पर बड़े बड़े लेक्चर दिया करते हैं, वो ऐसे मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते? इससे आहट होकर राजसत्ता के संपादक वसंत माने ने कहा कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका हुआ अपमान, देश के भक्तों का ध्यान किधर है, सीने पे चढ़ गया पाकिस्तान। भारत के कुलभूषण सारे बारी सभा में सिर्फ नारे, सरहद पर मरने वाले शहीद शब्द से हुए पराए, बस अब नहीं सहेंगे अपमान, मानवता के शत्रु को भेजेंगे शमशान। भारत माता युद्ध लड़ेगी, लड़ेंगे सब संतान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होंगे सब हिंदुस्तान पर कुर्बान।